गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीएसएस आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कैसे हम आउटलाइन किसी भी एलिमेंट के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से बॉर्डर में आउटलाइन का यूज करते हैं अगर बॉर्डर दे रखा है, और किस तरह से हम अपने एलिमेंट को स्टैंड आउट में बना सकते हैं, और किस तरह से आउटलाइन डज नॉट टेक अप स्पेस, स्पेस नहीं ले सकता, तो इसके बारे में आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सीएसएस आउटलाइन। एन आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉ अराउंड एन एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। If there is a border, it can be used to make an element stand out. Unlike the border, an outline does not take up space. It does not add up of element width and height. Width और height का यहाँ use नहीं करते, और जब भी outline style CSS property की बात करते हैं तो यहाँ पे हम element की जो outline की style होती है उसको set करने की कोशिश करते हैं। जो valid values आती हैं इसमें वो क्या क्या आएंगी, auto, नन, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रुप, रिज्ड, इनसेट, आउटसेट, इन वैल्यूज का हम इसमें यूज कर सकते हैं। ऑटो क्या होता है, जब भी हम किसी यूजर एजेंट टू रेंडर अ कस्टम आउटलाइन, यानी जब हमें कोई भी कस्टम आउटलाइन को प्रेजेंट करना होता है तो वहां पे हम ऑटो को परमिट्स करते हैं। नन क्या होता है, नो आउटलाइन इज शो, कोई भी आउटलाइन इसमें शो नहीं होती है। डॉटेड क्या होता है, द आउटलाइन इज अ सीरीज ऑफ डॉटेड, जो आउटलाइन दे रखी है वो डॉटेड के रूप में दे रखी है, बॉर्डर में हम पहले भी इसे कर चुके हैं। सॉलिड्स के बारे में भी बता चुके हैं, जो सिंगल लाइन की आउटलाइन आती है उसे सॉलिड में यूज करते हैं, डबल अगर दो सिंगल लाइन आएंगे आउटलाइन में तो उसके लिए हम डबल का यूज करते हैं। ग्रुप, जब आउटलाइन लुक्स कार्व इनटू पेज, तो कार्व इनटू पेज में जब आती है तो उसे ग्रुप कहते हैं। रिड्ज का यूज जब करते हैं, एक्सट्रूडेट करते हैं पेज को, तब उसके लिए रिड्ज का यूज करते हैं। उसके बाद इनसेट, जो आउटलाइन बॉक्स लुक लगती है वो इनसेट में यूज की जाती है, और एक आता है आउटसाइड। तो जब हम आउटलाइन को बॉक्स के कमिंग आउट ऑफ पेज पे दिखाते हैं तो उसके लिए हम आउटसाइड का यूज करते हैं। ठीक, ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, ठीक है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये कुछ एग्जांपल हैं, इस तरह से हम इसकी कोडिंग को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पी डॉट ऑटो लगाया है तो आप जानते हो ये क्यों लगाया है। ठीक है ना, पी पैराग्राफ होता है और ऑटो यानी यहाँ पे एक क्लास दी गई। ये सब किस में आते हैं, क्लास में आते हैं, और आउटलाइन स्टाइल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आउटलाइन स्टाइल के। अब इनको आप एक साथ कर भी सकते हो, आउटलाइन का यूज हम कैसे इसमें कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, एक कोडिंग बनानी होगी। हम कोडिंग बनाएंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद इन सबको पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद आईडी क्लास में इनके नेम को हम लिख सकते हैं। तो इसकी कोडिंग करने की अब हम कोशिश करेंगे कैसे हमें इसकी कोडिंग करनी है। तो जैसे मैंने फाइल व्यू पे जाते हैं, आप जानते हो यहां पे हम HTML का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो HTML मैंने लिखा, HTML लिखने के बाद टाइटल आउटलाइन लिखा, इस पे क्या टाइटल लिया है, आउटलाइन, और इसको लेने के बाद मुझे यहाँ पे स्टाइल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं इंटरनल स्टाइल शीट सी इसमें यूज कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा और मैंने अभी दिखाया भी था, तो जैसे जो जो नेम है, जितने आउटलाइन वैल्यू दे रखी हैं या नेम दे रखे हैं, उनको हम यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे, पी ऑटो। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका यूज किया आउटलाइन स्टाइल, तो आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल का यूज कर रहे हैं, तो आउटलाइन स्टाइल ऑटो। ठीक है, कौन सा लिया मैंने, ऑटो। ठीक, आउटलाइन स्टाइल ऑटो। इसी तरह से अदर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने अदर ले लिया यहां पे, देखो पी डॉट नन, नन को छोड़ते हैं, नन का यूज हम नहीं कर रहे इसमें, डॉटेड का यूज करते हैं। ठीक है ना, नन का पहले भी हम देख चुके हैं, नन कैसे हम यूज करते हैं, सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं बॉर्डर में। ठीक है ना, यहाँ पे हम केवल इसको थोड़ा सा देखेंगे, डॉटेड है ना, अपने आप आ गया। इसको भी क्लोज करने के बाद अब हम पैराग्राफ एक और लेते हैं, तीन चार यूज करते हैं। सॉलिड हम इससे पहले भी देख चुके हैं कैसे यूज करते हैं, ग्रुप का यूज करके देखते हैं, है ना, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का यूज करेंगे, ग्रुप देन
आउटलाइन स्टाइल, ठीक, ग्रुप पहले भी यूज कर चुके हैं, तो ये सारे कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी। फिर एक आउटसेट और इनसेट और आउटसेट और लेते हैं पी डॉट इनसेट के लिए, ठीक। इसके बाद मैंने यहाँ पे भी इसका यूज किया आउटलाइन स्टाइल, यहाँ पे क्या दिया है मैंने इनसेट, ठीक है, इनसेट का यूज किया तो इनसेट मेरा आ गया है ना। उसके बाद मैंने पी आउटसेट पी डॉट आउट सॉरी आउट सेट, ठीक है, पी डॉट आउट सेट। फिर मैंने यहाँ पे फिर आउटलाइन स्टाइल का यूज किया और यहाँ पे आउट सेट, ओके। ये मैंने जो है सी एस एस में जो स्टाइल यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी पूरी कर ली। अब मैंने यहाँ पी क्लास किसका यूज करूंगा, पी क्लास, ठीक, इज इक्वल टू ऑटो। पहले में मैंने क्या लिया है, ऑटो लिया है तो ऑटो लिख दिया, ठीक, पी क्लास ऑटो लिख दिया यहाँ पे। और एक पैराग्राफ लिख दे रहे, अभी लिखा था जैसा पैराग्राफ वही पैराग्राफ यहाँ पे लिख दे रहे, या कोई और पैराग्राफ हमें पैराग्राफ लिखना है, सपोज दैट जैसे HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बेटा, देख सकते हो आप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे मार्क, ये हाइपर टेक्स्ट होना चाहिए था, है ना, ई आना चाहिए हाइपर टेक्स्ट, अब ये सही है। यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज भी कर दिया, ये मैंने क्या किया पैराग्राफ, इस पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ, इसी को हम कॉपी करते हैं, ऐसा करते हैं इसी टैग को हम क्या है कॉपी कर लेंगे और क्लास में चेंज कर देंगे, बस क्या करेंगे जो इसकी क्लास है उसको चेंज कर देंगे। तो ऑटो का यूज कर लिया, इसमें डॉटेड का यूज करेंगे, फिर इसमें जो यूज करेंगे हम पहले डॉटेड यूज कर ले रहे हैं ना, और इसको कॉपी कर पेस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ किसका यूज कर रहे, डॉटेड, देखो डॉटेड अपने आप आ गया, ठीक है ना। तो ये सब अपने आप आते जाएंगे जैसे जैसे हम, फिर ग्रुप का यूज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप का यूज कर लिया, ठीक, ग्रुप है ना, जी लिखूंगा, देखो ग्रुप आ गया। उसके बाद मैंने इनसेट का यूज करना है तो मैंने यहाँ पे फिर से इसको सेव किया और ठीक है ना, यहाँ इन सेट, देखो अपने आप इनसेट आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लगातार कर सकते हैं इसकी कोडिंग। अब लास्ट बचा है मेरा आउटसेट, आउटसेट का यूज मैं कैसे करूंगा, ठीक है, आउटसेट, आउटसेट को भी कर दिया और इस फाइल को मैंने सेव किया। सबसे पहले क्या है, ये फाइल मुझे सेव करनी है, सेव करने के लिए अब मैंने क्या किया, इसमें कोई और फोल्डर लेते हैं, किसका, आउटलाइन का यूज कर रहे हैं तो आउटलाइन फोल्डर्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें नेम लिखा आसू डॉट एच टी एम एल, ठीक, इस फाइल को सेव किया। अब हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे, क्या करेंगे, इसके आउटपुट को चेक करेंगे कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है और रीड और ये सभी यूज हुए हैं या नहीं प्रॉपर तरीके से। अब आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो पहले में हमने नन लगाया तो नन, दूसरे में डॉटेड लगाया तो डॉटेड आ गया, ठीक, तीसरे में हमने क्या लगाया था डबल, तीसरे में हमने क्या लगाया है थर्ड कोडिंग में हमने ग्रुप का यूज किया तो ग्रुप आ गया, इनसेट का यूज किया है तो हमें इनसेट भी दिखाई दे रहा है और आउटसाइड का यूज करेंगे तो हमें आउटसाइड भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने इसकी कोडिंग का यूज किया है, ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, इसमें कोडिंग का यूज किया और इस कोडिंग से हम इन चीजों को कर सकते हैं सॉल्व, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं सी एस एस आउटलाइन विड्थ की। तो द आउटलाइन विड्थ सी एस एस प्रॉपर्टी सेट द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट आउटलाइन। तो आउटलाइन की जब हम विड्थ को यूज करेंगे तो किस तरह कर सकते हैं, मान के चलो यही मेरा सेम है लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, पैराग्राफ के बाद, पैराग्राफ से पहले सॉरी, ये जैसे टाइप सी एस एस है तो यहाँ पे एक हेडिंग ले ली, ठीक है, हेडिंग, तो हेडिंग लेने के लिए मैंने एच थ्री का यूज किया। उसके बाद ये, फिर मैंने आउटलाइन स्टाइल तो डैश्ड है ही मेरा, आउटलाइन स्टाइल क्या रखा हेडिंग के लिए, डैश्ड का यूज किया, ठीक है, आउटलाइन स्टाइल डैश। उसके बाद
मैंने आउटलाइन बिट्स यूज की इसमें, क्या यूज कर रहे हैं? आउटलाइन बिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान के चलो मैंने 20 पिक्सल्स की यहाँ पे बिट यूज की है, ठीक। ये मैंने क्लोज किया। अब बॉडी के बाद मैंने यहाँ पे H3 टैग का यूज कर लिया। क्या, किसका यूज किया? H3 टैग का यूज किया, ठीक। H3 टैग में मैंने कोई हेडिंग लिख दी, या यही लिख दें, देखते हैं इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हेडिंग यही लिख दें तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, है ना? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किस तरह से हम बिट को भी आउटलाइन में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बिट ली और यहीं पे H3 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को मैंने सेव किया, ठीक है, सेव एज। ओके, इसी फाइल को हम सेव एज करेंगे। यहाँ आंसू के नाम से की है, अदर में किसी और का नाम लेते हैं, जैसे अनुज, ठीक, .html। ये फाइल मैंने सेव कर दी। अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, व्यू देखेंगे क्या आ रहा है। यानी इसका व्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसका व्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है, या तो हमसे, ठीक। H3 के लिए आउटलाइन स्टाइल का यूज किया है, बिल्कुल कोडिंग हमारी सही है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसमें आना भी चाहिए, आउटपुट तो इसका आना चाहिए। सॉरी, हमने फाइल दूसरे नेम से सेव की है और आउटपुट देख रहे हैं हम उसको रिफ्रेश करके। अनुज के नाम से फाइल सेव है, तो इसको अब देखेंगे। अब आपको ये डैश लाइन दिखाई दे रही होंगी और ये हेडिंग लिखी हुई है, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। और इसके लिए हमने आउटलाइन जो बिट थी वो 15 पिक्सल्स की या 20 पिक्सल्स की, जितने भी पिक्सल्स की यूज की है उस पिक्सल्स पे शो हो रही है। ये हमारा क्या था, आउटलाइन बिट के बारे में हमने यहाँ समझाया, कैसे हम आउटलाइन बिट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आउटलाइन कलर भी यूज कर सकते हैं। देखो, आउटलाइन स्टाइल हमने यूज कर दिया, ठीक, आउटलाइन कलर भी यूज कर सकते हैं। मान के चलो ये ही कलर हम यूज कर ले रहे हैं, इसमें इसको ही कॉपी कर सकते हैं, है ना। इसी को लिख सकते हैं 428 BCA, ठीक है ना, देखेंगे। और 428 BCA जो कलर होता है वो कैसा है, ब्लू कलर, हल्के से डॉटेड जो लाइन आती है वो ब्लू कलर की आती है, ठीक है ना। तो मैंने इसको बिट को हटा दें क्योंकि बिट ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है ना। तो यहाँ पे आउटलाइन कलर का यूज करते हैं, आउटलाइन कलर, है ना। आउटलाइन कलर मैंने लिया, कौन सा ले लें, येल्लो ले ले रहे, ठीक है, अपनी तरफ से येल्लो कलर मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक। फिर से इस फाइल को सेव किया। ओके, इस फाइल को मैंने सेव किया amit.html के नाम से और ये फाइल मेरी सेव हो गई, ठीक। अब इसका आउटपुट चेक करेंगे हम अमित के नाम से, देखते हैं क्या आउटलाइन पे CSS जो कलर है। अब देखो, आउटलाइन में हमने क्या किया था, डैश लिया और बिट्स को चेंज कर दिया, बिट्स हमने नहीं रखी। यहाँ पे क्या है, कलर लिया, तो आउटलाइन का कलर क्या लिया था हमने, येल्लो लिया था। तो हमें आउटलाइन कलर कैसा दिखाई दे रहा है, येल्लो दिखाई दे रहा है। तो ये भी हम व्यू चेक कर सकते हैं आउटलाइन का, इस तरह से हम इसका व्यू बना सकते हैं, ठीक है ना। अगला है CSS आउटलाइन सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। आउटलाइन बिट, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं, ये इसमें समझाया गया है। ऑर्डर इसमें कोई मैटर नहीं कर सकता है, कैसे हम इसको एक साथ यूज करते हैं। और हमारी जो सॉर्ट एंड वैल्यू होनी चाहिए, आउटलाइन स्टाइल्स की वैल्यू, वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं किसको हम इनिशियल में सेट्स कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे मैंने, मान के चलो यही वैल्यू ले लेते हैं हम, आउटलाइन केवल हम क्या लिखेंगे यहाँ, जब इसको सिंगल शॉर्ट एंड में यूज करेंगे तो केवल यहाँ पे हम आउटलाइन ही यूज करेंगे, फिर स्टाइल और कलर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा आउटलाइन, ओनली किस क्या लिखा है यहाँ, आउटलाइन। आउटलाइन लिखने के बाद मैंने 10 पिक्सल्स उसकी बिट्स का यूज किया, ठीक। डॉटेड हम यूज कर रहे थे पहले ही से, ठीक। कलर दे दिया मैंने रेड, अब के मैंने आउटलाइन में कलर कैसा दे दिया, रेड कलर का यूज किया है, ठीक है ना। इस फाइल को मैंने सेव, फिर से सेव किया। इस फाइल को मैंने आस्था के नाम से सेव किया, आस्था डॉट
HTML, इस फाइल को सेव कर लिया। अब इसके आउटपुट को चेक करेंगे। ये देखो, हेलो थैंक्स फॉर ट्राइंग आउट सबलाइम टैब अनरजिस्टर इवोल्यूशन वर्जन, ट्रायल इज अनलिमिटेड। ठीक है, ट्रायल तो अनलिमिटेड है, अगर लाइसेंस कर लोगे परचेज तो सही है। तो अब हम लाइसेंस परचेज नहीं कर रहे, हम तो इसके आउटपुट को चेक करेंगे, ठीक है ना। इस समय तो आस्था आस्था पे हमने जैसे ही क्लिक किया, अब इसका व्यू देखेंगे कि सीएसएस आउटलाइन शॉर्ट हैंड कैसे किया। आपको अब दिखाई दे रहा होगा, तो ये डॉटेड के रूप में हमारा क्या आ रहा है, डॉटेड। हमने यहाँ किसका यूज किया, डॉट। डॉट हमेशा किस में आता है, सर्किल। डैश किस में आता है, स्क्वायर के रूप में, छोटे छोटे स्क्वायर के रूप में, ठीक है ना। डॉट सर्किल के रूप में 10 पिक्सल की विड्थ ली थी और रेड कलर का हमने आउटलाइन कलर यूज किया था। तो इस तरह से हम आउटलाइन का यूज करते हैं, और ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।